ड्रीम बोर्ड स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस 2022 जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2E। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कोस्टल जोन। कोस्टल जोन में मतलब समुद्री तट में, सी बीचेस इसको कहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या क्या प्रोज मतलब एडवांटेजेस है और क्या क्या कॉन्स है मतलब डिसएडवांटेजेस है। तो आंसर देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कोस्टल जोन रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट ह्यूमंस क्रिएट अलोंग अ कोस्टल लाइन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग टूरिज्म। अब मान लीजिए हम सब वेकेशंस में जाते हैं, कहीं गोवा गए या फिर उड़ीसा गए, ट्रिवेंडम गए, ऑल दीज लाइज इन द कोस्टल जोन्स, इन द कोस्टल लाइन एरियाज। नाउ जब हम वेकेशंस में जाते हैं तो वहां पे हम होटल्स में ठहरते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, कुछ गेमिंग एक्टिविटीज करते हैं, आउटडोर गेमिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर पड़ता है और इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली द एडवांटेजियस थिंग्स। फर्स्ट, द इकोनॉमिक एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू दैट कैन बी जनरेटेड बाय एस्टैब्लिशमेंट्स दैट आर लोकेटेड अलोंग कोस्टल लाइन्स। कोस्टल लाइन्स के अलोंग जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एवरी एस्टैब्लिशमेंट्स, दे क्रिएट अ इकोनॉमिक रेवेन्यू, एक इकोनॉमिकल एडवांटेज होता है, विच इज अ एडवांटेजियस थिंग। नेक्स्ट, मेनी डेवलपमेंट लाइक होटल्स, मैरिनास, बोर्ड वॉक्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग डेवलपमेंट्स विल प्रोवाइड जॉब टू लोकल रेसिडेंट्स। वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स है उनको जॉब प्रोवाइड करती है, बिकॉज बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए हैं तो जॉब भी आसानी से मिल जाता है उनको। नेक्स्ट, टूरिस्ट अट्रैक्ट्स टू कोस्टल लैंड्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। दे पार्टिसिपेट इन लीजर एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, लाउंजिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। अब जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग एक फ्री टाइम, एक लीजर टाइम बिताए वहां पे, तो हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ओनर्स ऑफ द कोस्टल प्रॉपर्टीज मे रिमूव नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स लाइक बीच, ग्रास, साउंड रीड्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर गेस्ट्स। अब कुछ कुछ अनवांटेड वीड, जैसे लैंड एरियाज में अनवांटेड वीड्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे कोस्टल लाइन एरियाज में अनवांटेड बीच ग्रासेस प्रोड्यूस होते हैं, सैंड रीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ओनर्स क्या करते हैं, उस चीज को क्लीन करके रखते हैं, एनवायरमेंट क्लीन करके रखते हैं, ताकि टूरिस्ट भी उस जगह के प्रति अट्रैक्टेड रहे। ये थे हमारे एडवांटेजियस पॉइंट्स। नाउ द डिसएडवांटेजियस पॉइंट्स। फर्स्ट, द एक्शन ऑफ टूरिस्ट कैन ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट इकोसिस्टम एज टूरिस्ट इनक्राउच ऑन द नेचुरल रिसोर्स एंड पल्यूट कोस्टल लैंड्स विद द नॉन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। अब नेचुरली वहां पे एक कोस्टल लाइन इकोसिस्टम था, कोस्टल रीजन का अपना एक इकोसिस्टम था। जब बाहर के एलिमेंट्स जैसे ह्यूमन बींग्स उनके इकोसिस्टम में घुस आते हैं, तो उनका इकोसिस्टम मतलब मराइन इकोसिस्टम या कोस्टल रीजन का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द इकोसिस्टम एज वेल एज द हैबिटेट। नेक्स्ट, द पॉल्यूशन इज अ मेन फैक्टर, बिकॉज हम लोग प्लास्टिक यूज करके कहीं भी फेंक देते हैं, पल्यूट करते हैं जगह को, विच इज ऑल्सो अ नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, कोस्टल डेवलपमेंट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल रीजन, एम्पलीफाइज ओशन एसिडिफिकेशन एंड थ्रेटन इकोसिस्टम। अब टूरिस्ट प्लेस है तो होटल्स हैं, वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं, देन शिप मूवमेंट्स होते हैं, देन बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हो चुकी है, जिसके वजह से ओशन में एसिडिफिकेशन मतलब एसिड का रेट बढ़ गया है, विच इज अ बैड एंड थ्रेटनिंग
थिंग फॉर द मराइन इकोसिस्टम। ऑल्सो कोस्टल रीजन में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो अ थ्रेटनिंग थिंग। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइडल फ्लडिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड अ हाइटनिंग ऑफ वाटर टेबल्स इन कोस्टल रीजन्स। अब हमने इसके पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि कोस्टल डेवलपमेंट लीड्स टू द क्लाइमेटिक चेंज। अब ये क्लाइमेटिक चेंज वर्स कंडीशंस में भी होता है, जैसे अचानक से बाढ़ आ जाती है या सीजन का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी गर्मी बहुत बढ़ रही है, कभी ठंडी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सब कोस्टल डेवलपमेंट के वजह से होता है। लास्ट पॉइंट, डेलिकेट इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट अलोंग कोरल रीफ्स आर आल्सो इंपैक्टेड बाय कोस्टल डेवलपमेंट। अब जो स्पीशीज कोस्टल रीजन में इंडेंजर्ड हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ कोस्टल डेवलपमेंट। एक हम लोग उनके हैबिटेट में घुस रहे हैं और जो उनके लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी जंगली जानवर अगर हमारे हैबिटेट में, हमारे इलाके में घुस जाता है, तो हमारे लिए वो अनकंफर्टेबल होता है, हम डर जाते हैं। तो वैसे ही उनके लिए भी, हम जब एंटर करते हैं उनके इकोसिस्टम में, तो वो लोग डर जाते हैं, उनके लिए बहुत ही डिस्टर्ब होता है। मराइन इकोसिस्टम की बात कर रही हूं मैं, तो मराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही डिस्टर्ब्ड होता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो वही कहा गया है यहाँ पे, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एग्जांपल कोरल रीफ्स, और भी बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोस्टल डेवलपमेंट। अब माइंड मैप देख लेते हैं इस आंसर का। हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कोस्टल जोन के बारे में पूछा गया था, जहां पे हमें प्रोज एंड कॉन्स बताने थे। तो हम पहले प्रोज देख लेते हैं। एडवांटेजेस आर इकोनॉमी इंक्रीज होता है, जॉब टू लोकल रेसिडेंट्स, टूरिस्ट फॉर लेजर एक्टिविटी एंड क्लीन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन रखा जाता है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन द मराइन इकोसिस्टम। तो ये था जो आपका आंसर। आशा है आप सबको ये आंसर समझ आ गया है, बहुत ही ईजी सा आंसर है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।